नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को यह मालूम है कि 4 अक्टूबर को हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्मदिन होता है और आज उनके जन्मदिन पर हम उनको याद करते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के दो आचार्यों के साथ यह बातचीत संभव कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग इस चर्चा से लाभान्वित होंगे। तो मैं हिंदी विभाग की ओर से हिंदी विभाग के समन्वयक डॉक्टर शशांक शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि जब अकादमिक रूप से हिंदी अध्ययन अध्यापन की बात होने लगी तो साहित्य के इतिहास की आवश्यकता पड़ी और हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भूमिका लिखा उसे बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया। आज भी हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन करने वाले, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अगर कोई प्राथमिक पुस्तक अथवा गीता की तरह अपने सिरहाने रखने की कोई पुस्तक, जिसे प्रतिदिन जिससे आपको गुजरना हो वैसी अगर कोई एक किताब मानी जानी चाहिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आचार्य शुक्ल के इस इतिहास दृष्टि पर और मैं शशांक जी से आग्रह करूंगा कि आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि पर, कैनन निर्माण पर अपनी कुछ बातचीत रखें। धन्यवाद। हम जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि पर बात करते हैं या उनके इतिहास पर बात करना प्रारंभ करते हैं तो एक चीज़ तो स्पष्ट रूप से पहले ही समझनी चाहिए कि शुक्ल जी की पूरी इतिहास दृष्टि अवचेतन में या उसकी पृष्ठभूमि में कहीं भारतीय नवजागरण भी है जिस पर प्रायः कम ध्यान दिया गया और राष्ट्रीय आंदोलन भी है। शुक्ल जी के अनेक निबंध उस समय जो अंग्रेजी में प्रायः थे वो राष्ट्रीय आंदोलन पर भी हैं जिस पर सुधार्थियों को भी ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ नवजागरण की इसी पृष्ठभूमि के संदर्भ से मैं शुक्ल जी के इतिहास के देखने की प्रस्तावना इसलिए भी कर रहा हूँ कि उसके पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो इतिहास आया था उसमें एक औपनिवेशिक दृष्टि उसके पहले पूरी तरह से काम कर रही थी और काल विभाजन से लेकर प्रवृत्तियों के नामकरण, प्रवृत्तियों के निर्धारण तक और नामकरण तक पूरा वो औपनिवेशिक दृष्टि भी थी साथ में। शुक्ल जी जो अपने इतिहास के माध्यम से एक अकादमिक रूप से तो ये काम कर ही रहे थे प्राथमिक रूप से कि वो काल विभाजन कर रहे थे, सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा कर रहे थे, नामकरण कर रहे थे और नामकरण के अनुकूल प्रवृत्तियों का निर्धारण कर रहे थे। हालांकि उसकी तमाम खामियां हैं और फुटकल खाते से लेकर तमाम जिस पर बात के अधेताओं ने उसमें सुधार किया जो इतिहास चक्र की गति में ये सामान्य सी चीज़ है कि नया पुराने का सुधार करता है, उसका विस्तार करता है। तो अपनी तमाम अंतर विरोधों खामियों के बावजूद शुक्ल की जी के इतिहास में अनेक खामियाँ थी बावजूद उनकी इतिहास दृष्टि हिंदी के अध्येताओं के लिए एक मानक के रूप में भी है क्योंकि वो एक दृष्टि प्रधान इतिहास है। तथ्यों की दृष्टि से आप जानते हैं कि केवल 1936 तक की रचना है, छायावाद का भी पूरा हिस्सा नहीं है लेकिन एक मोटे रूप में 35-36 तक की रचनाओं का जिक्र है। 1936 से लेकर 2024 तक हिंदी साहित्य बहुत बड़े फलक पे, खासतौर से गद्य के रूप में तो पूरा साहित्य, कथेतर का पूरा साहित्य उसके बाद खड़ा होता है। तो तथ्यों की दृष्टि से शुक्ल जी के इतिहास की अपनी सीमाएँ हैं उसकी, लेकिन वैचारिक दृष्टि से शुक्ल जी का इतिहास हिंदी के, जब बच्चन सिंह अपना शोध लिखते हैं या दूसरा इतिहास लिखते हैं तो प्रारंभिक पंक्तियां हैं कि न शुक्ल जी के इतिहास को छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है न उसे पूरी तरह से अपना कर बढ़ा जा सकता है, यानी उस पैटर्न को भी तोड़ना है लेकिन उस दृष्टि भी पीछे पीछे चल रही है। तो शुक्ल जी की अपनी इतिहास दृष्टि की सामर्थ्य ये थी या उनकी दृष्टि ये थी कि साहित्य की मूल प्रवृत्तियाँ, रचनाकार की मूल प्रवृत्तियाँ और उसके साथ एक द्वंद्वात्मक संबंध जो डायलेक्टिकल संबंध होते हैं वो अपने साथ चल रहा था। तो शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि केवल रचनाकारों की, रचनाकार और प्रवृत्तियाँ तो मोटे स्थूल रूप में हैं कि आप किसी प्रवृत्ति का एक निर्धारण करेंगे और ये करेंगे, लेकिन शुक्ल जी की अपनी इतिहास दृष्टि बाद के अध्येताओं के लिए, इतिहास ग्रंथ के निर्माताओं के लिए
और हिंदी के मानस या चेतना निर्माण की दृष्टि से वो हिंदी साहित्य का इतिहास अपने ढंग से एक मील का पत्थर है हमारे सामने, और इसीलिए बार बार हम लोग शुक्ल जी के इतिहास की ओर लौटते हैं, चाहे वो सूत्रात्मक कथन हो, घरानंद पे कह दिया, मौनमति पुकार, प्रेमचंद पे कह दिया, सूर पे कह दिया, जायसी पे कर दिया, ढेरों कवियों पे जो शुक्ल जी की उक्तियां हैं, सूत्र वाक्य हैं, वो एक केशव पर कठिन काव्य के प्रेत वो मानक बने हुए हैं, और उसको बहुत लोगों ने प्रयास किया, जैसे विजयपाल सिंह ने केशव पर दो मोटे मोटे केशव का आचार्यवत नामक ग्रंथ लिख दिया, लेकिन केशव पर शुक्ल जी की दृष्टि अभी भी वही, बिहारी पर वही है, गागर में सागर, तो घनानंद पे मौन मधि पुकार वही है, तो ये जो शुक्ल जी की आलोचना और साथ में उनकी इतिहास दृष्टि भी इसलिए प्रमाणिक अभी तक बनी हुई है कि उसके साथ ही आलोचनात्मक विवेक साथ में लगा हुआ है, वो जो कवियों पे उनके सूत्रात्मक कथन है वो ही शुक्ल जी के इतिहास को प्रमाणिक बना रहे हैं, तो इतिहास को देखने का आलोचनात्मक विवेक ये शुक्ल जी के इतिहास दृष्टि का एक महत्वपूर्ण संबल है। जब आचार्य शुक्ल साहित्य के इतिहास लिख रहे थे तो उन्होंने आरंभ में ही जनता के चित्तवृत्तियों को का संचित प्रतिबिंब, वो संचित प्रतिबिंब कहते हुए तीन या चार वो सूत्र देते हैं, राजनैतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, सामाजिक और आर्थिक। और जाहिर सी बात है कि जब आचार्य शुक्ल इतिहास लिख रहे थे तो कहीं ना कहीं साहित्य का जो जनता का संचित प्रतिबिंब है चित्तवृत्तियों का और जो इतिहास है उसके लिए जो इतिहास की वो ग्राह्य सामग्री ले रहे थे, कहीं ना कहीं उसके पीछे मैक्स मूलर वगैरह के जो इतिहास थे वह इतिहास भी आचार्य शुक्ल के इतिहास की निर्मिति में शामिल थे, तो वो किस तरीके से उनके इतिहास को प्रभावित कर रहा था, या इस सवाल को ऐसे भी अगर मैं कहूँ कि आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि या जो इतिहास की दृष्टि है या उसकी जो सामग्रियां हैं उसके इतिहास में बनने या उनके स्थान को निर्दिष्ट करने में क्या वो भूमिका निभा रही थी, इस पर आप अगर राजेंद्र सर बात करें तो बेहतर होगा। हाँ, मैं इस पर पूरे विस्तार से बात करूंगा, मैं इसी यही मैं चाहता था कि ये सवाल ही आप मुझसे पूछें, अच्छी बात है आपने मेरे बताए हुए सवाल को और बड़ा कर दी। दरअसल जब हम रामचंद्र शुक्ल जैसे आदमी पर बात करते हैं तो हमको पृष्ठभूमि पर बात करना अनिवार्य ही होता है, और रामचंद्र शुक्ल की पृष्ठभूमि ऐसी है कि उसको छोड़कर आप बात कर नहीं सकते। इतिहास उन्होंने लिखा 1929 में, उस वो प्रक्रिया पिछले 10 साल से चल रही थी जब शब्द सागर का निर्माण हुआ था, उसका नाम उसमें उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का विकास। निश्चित तौर पर वो विकास के आधार पर इतिहास को देख रहे थे, भारतीय दृष्टि को देख रहे थे, बनी बनाई कोई चीज उनके आगे नहीं थी। मैक्स मूलर वाली जो आपने बात कही ये उनकी चिंता का सबसे खास पहलू था। मैक्स मूलर, ग्रियर्सन, विंसेंट स्मिथ जितने ओरिएंटलिस्ट थॉट उस वक्त के लोग थे, उससे शुक्ल जी का झगड़ा ही इस आधार पर था कि वो आध्यात्मिक तरफ को भारत को धकेल रहे थे। आपको याद होगा बहुत बाद में एडवर्ड सईद की जो किताब ओरिएंटलिज्म आई उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा कि औपनिवेशिक शासन ने यह हमेशा किया कि उपनिवेश को एक झुंझुना पकड़ा है उनके गरिमामय अतीत का, उनकी आध्यात्मिकता का, और शुक्ल जी इस बात पर बार बार व्यंग करते कि आध्यात्मिकता के चश्मे सस्ते हो गए। वो इस बात पर व्यंग करते हैं कि लोग बिहारी और विद्यापति की कविताओं की भी आध्यात्मिक व्याख्या करने लगे, आगे के सुकबीर जी हैं तो कविता ही नहीं तो राधिका कानसुमी। ये उनकी चिंताओं का मूल स्रोत था, और जहां शुक्ल जी की निर्मिति हो रही थी, आप बहुत शुरुआत में चली जाइए, 14 साल का लड़का न्यूमैन के आइडिया ऑफ लिटरेचर का अनुवाद कर रहा, प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का आनंद, ये भी वो 1903 में कर चुके थे और ये छप चुका था 1903 के आसपास सरस्वती में। एक और महत्वपूर्ण किताब है उनकी जिस पर बहुत बाद में ध्यान दिया, जब रामचंद्र शुक्ल
और हिंदी आलोचना लिख रहे थे रामविलास शर्मा, उसके आप देखेंगे उसके पहले संस्करण में उस किताब का जिक्र नहीं, नहीं। 1955 में उस किताब का जिक्र नहीं है। 57-58 में जब दूसरा संस्करण उसका निकलता है तब वो अलग से भूमिका लिखकर रिडल ऑफ द यूनिवर्स की बात कर चर्चा करते हैं। हैकल की वो किताब उस वक्त दुनिया में तहलका मचा रही, और रामचंद्र शुक्ल जैसा हिंदी में बनारस में बैठा आदमी उसको लगता है कि नहीं मैं इस किताब का अनुवाद करूँगा। वो न केवल उस किताब का अनुवाद करते हैं विश्व प्रपंच नाम से, बल्कि 150 पन्ने की अलग से भूमिका लिखते हैं जिसमें भारतीय ज्ञान मीमांसा के सारे स्रोत हैं। जबकि वो हैकल पर बात कर रहे हैं, वो जीव विज्ञान का आदमी है, वो रसायन विज्ञान का व्यक्ति है, वो विज्ञान पर लिखी हुई किताब है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल उसका आधार ढूंढते हैं भारतीय न्याय में, भारतीय वैशेषिक में, भारतीय सांख्य में, और लगातार श्लोकों के साथ उसका तादाद में बैठा। ये रामचंद्र शुक्ल की निर्मिति जिसका जिक्र आपने किया, दो लेख तो उनके बहुत फेमस हैं, बल्कि तीन लेख अंग्रेजी में लिखे हुए उनके बहुत सुप्रसिद्ध हैं, व्हाट हैज इंडिया टू डू, नॉन कॉरपोरेशन एंड नॉन मर्केंटाइल क्लासेस, और तीसरा हिंदी एंड इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुसलमान करके उन्होंने एक अंग्रेजी में आर्टिकल लिखा था। और आप देखेंगे कि नॉन कॉरपोरेशन एंड नॉन मर्केंटाइल क्लासेस में वो लगातार असहयोग आंदोलन से उपजी हुई स्थिति और गांधी की भूमिका पर उस वक्त कटाक्ष कर रहे हैं। आपको याद होगा, आपसे तो मेरी इस पर बात हुई है, समीक्षा ठाकुर की एक किताब है जो गीता रहस्य और रामचंद्र शुक्ल के विचारों पर का विश्लेषण करती है, और वो सुझाती है कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो बुरी तरह प्रभावित थे तिलक से, वो उसी ग्रुप के आदमी थे। तो ये चीजें हैं जो रामचंद्र शुक्ल की निर्मिति। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, उनका जो केंद्रीय तत्व है, उनका जो केंद्रीय थॉट है, जिसे क्या कहते हैं, जैसे बीज विचार है, वो है कविता क्या है। ये प्रश्न है कि कविता क्या है, इसको शुक्ल जी लगातार व्याख्यायित कर रहे थे कविता क्या है, और उनका ये निबंध लगातार लिखा जा रहा है। हाँ, वो तीन तो उसके 1909 में पहली बार प्रकाशित हुआ और 41 में अंतिम, 1929 में उसका एक और अंतिम रूप आया बीच में। और काफी मजेदार है कि इन तीनों निबंधों के आरंभिक वाक्यों को केवल देखे तो उनके थॉट प्रोसेस का पता लग जाता है। इधर आपको याद होगा एक और पुस्तक हमने पढ़ी थी, आपने भी वो पढ़ी, वो पुस्तक है एंटेनमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी, सौरभ दुबे की किताब है, 2009 में आई, 2019 में उसका रिप्रिंट हुआ। उस आदमी ने उपनिवेशवाद पर, नेशन स्टेट पर, एम्पायर पर, ग्लोबलाइजेशन पर, गांधीज्म पर, इस्लाम पर, भारत के आज के सबसे क्रीमी लेयर के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे लिखवाए, और उन सब वो पूरी किताब का थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत मुकम्मल, बहुत कॉम्पैक्ट है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें एक बड़ा 30 पन्नों का आर्टिकल रामचंद्र शुक्ल पर, इतिहास दृष्टि पर है, और न केवल इतिहास दृष्टि पर है, वो उसका टाइटल है कि मोमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंडियन नेशनलिस्ट थॉट, कि वो आलोचना कहाँ से उभर कर आ रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि उनके उसमें राष्ट्रीय आंदोलन बहुत उसमें आता। अच्छा, उसका विश्लेषण बहुत अच्छा है, मिलिंद वाकणकर नाम है उसका, और उन्होंने चीजों को ये जोड़ा है कि रामचंद्र शुक्ल व्यक्तिवाद, आपको याद होगा रामचंद्र शुक्ल का बहुत फेमस निबंध है साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्र, वहां शुक्ल जी कहते हैं कि हम व्यक्ति पर आश्रित होने वाले लोग नहीं है, एक व्यक्ति का चरित्र कुछ भी हो सकता है, और एक बड़ा साहित्यकार किसी कुरूप और दुश्चील महिला को भी ऐसे पोर्ट्रे कर सकता है कि आप उससे प्रभावित हो जाए, लेकिन वो भाव तो लाएगा, विभाव नहीं हो पाएगा, आलंबन आप उसको पूरी प्रकृति का नहीं बना पाएंगे। तो ये व्यक्ति से हटकर एक पूरी सामूहिक चेतना पर जो जोर रामचंद्र शुक्ल का था, वो कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल एक बड़ा कैनन बना रहे थे। कैनन इसलिए बना रहे थे क्योंकि उनको वहां से वो जोड़ते हैं हिंदी और उर्दू के विवाद को। ये बात बहुत मानी हुई बात है कि हिंदी और उर्दू के विवाद पर शुक्ल जी जब लिख रहे थे तब तक वो विवाद लगभग समाप्त हो चुका था, हिंदी प्रतिष्ठित हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद आप आधुनिक काल का विश्लेषण रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल लगातार हमला कर रहे हैं, और बगैर आक्रामक मुद्रा, बहुत साधारण तरीके, कोई प्रश्न बहुत बात तक नहीं उठा कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में गालिब क्यों नहीं, मोमिन क्यों नहीं, या उर्दू गद्य क्यों नहीं। उस वक्त बहुत सारा उर्दू गद्य लिखा जा रहा है। इनफैक्ट आप देखिए, जब आचार्य शुक्ल इस्लाम वाले पक्ष को, एक तरफ तो भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि को बताते हुए वो लगातार इस्लाम की आलोचना कर रहे हैं, इस्लाम की आलोचना नहीं किया, मैंने इस्लाम के आने की, उसके प्रभावों की और उसकी, और जैसे ही
वो जायसी ग्रंथावली या सूफी साहित्य पर बातचीत कर रहे हैं, तो उस अद्वैत को, इस्लामिक अद्वैत को भारतीय अद्वैत के साथ कैसे जोड़ते हैं, उसका एक वो जो रामलीला शर्मा की किताब है, लोक जागरण वाली किताब, और हिंदी प्रदेश नहीं, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य आचार्य शुक्ल की निबंधों की वो है, और एक लंबी भूमिका है रामलीला शर्मा जी की, वो उस किताब के लेखों को देखिए और उनकी भूमिका को देखिए, तो एक अलग ही रामचंद्र शुक्ल हमारे सामने आते हैं। रामचंद्र शुक्ल की कारीगरी ये है कि वो बिना आक्रामक हुए अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहते, कि वो है ना गालिब का शेर कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, वो वाला अंदाज रामचंद्र शुक्ल का होता है। कारीगरी इतनी महीन है, इतनी सुस्पष्ट है कि उसको तोड़ना आज समझिए 100 साल होने वाले हैं उनके इतिहास को, आज भी आप उसके पूरे ढांचे को नहीं तोड़ेंगे, हालांकि तोड़ने की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन चीजें कुछ ऐसी हैं। आप देखिए ना, जिसका आपने जिक्र किया मध्यकाल के उदय का, 1941 में हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत स्पष्ट तरीके से बिल्कुल विरोध में अपनी बात रख चुके थे कि प्रतिक्रिया जैसी कोई बात नहीं है, प्रभाव तो हो सकता है, अगर है भी तो वो 12 आने तो वैसे का वैसा ही है, 4 आने छोड़ते हैं वापस। उसके बाद उस विवाद में कूदते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, उस विवाद में कूदते हैं नामवर सिंह, उस विवाद में आते हैं रामविलास शर्मा, उस विवाद में आते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, उस विवाद में आते हैं आपके वो इतिहासकार माधव भाड़ा आते हैं, इतिहास वाले जो आपके वो मित्र हैं वरिष्ठ सुधीर चंद्र, वो उसमें आते हैं, तो वो सब वसुधा डालमिया आती है कि कैसे वो जो भारतेंदु पर लिखी किताब है नेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, उस विवाद में कूदती हैं दूसरी तरफ से फ्रेंचेस्का ओर्सिनी। तो ये वो विवाद अब तक चला हुआ है कि हम किस तरीके से हिंदी उर्दू के विवाद को सुलझाएं, हम किस तरीके से स्त्रियों की उपस्थिति को सुलझाएं। तो ये रामचंद्र शुक्ल की वो मुकम्मल कारीगरी है जो जिसकी बखिया उधेड़ने की ताकत अब तक नहीं पैदा हुई। हालांकि उस पर जैसा हम कहने के लगातार काम होते हैं और हमारी भी समझ नहीं विकसित होती है। जैसे रीतिकाल को लीजिए, जो रीतिकाल पर शुक्ल जी ने लिखा, हालांकि शुक्ल जी ने बहुत जैसे कहते कि प्रशंसात्मक वाक्य भी लिखे, लेकिन जो बात थी जो उस वक्त चल रही थी कि ये स्त्री की उपस्थिति बहुत खराब तरीके से है, अश्लीलता है, ये तो वो जो है वो कैनन बन गई, नरेशन जो है वो जस का तस रहा। अब जाके चीजें बदल रही हैं, सुधीर पचौरी हैं या कोई भी और भी तमाम रीतिकाल के अध्येता देख रहे। तो थोड़ा सा रस भंग करते हुए मैं रस की ओर पहुंच रहा हूं। आचार्य शुक्ल की जो रस संबंधी दृष्टि है, उन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखा रसमीमांसा, और लगभग आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि को देखें और उसको समीक्षित करें तो एक रसवादी आचार्य की तरह हमारे समक्ष आचार्य शुक्ल प्रस्तुत होते हैं। उनकी रस दृष्टि पर अगर कुछ कहें तो बेहतर हो। शुक्ल जी को वस्तुतः रसवादी आचार्य ही कहा गया है सैद्धांतिक समीक्षक के तौर पर, हालांकि हिंदी में जो व्यवहारिक समीक्षा और सैद्धांतिक समीक्षा का चलन रहा वो स्थूल रूप में ही आप इसको समझिए, व्यवहारिक आलोचना, और जैसे नामवर सिंह कहते हैं कि मैं तो सैद्धांतिक आलोचना को आलोचना ही नहीं मानता, एक वक्तव्य में हंस में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, और मैनेजर पांडे पुरुषोत्तम अग्रवाल को समीक्षक नहीं मानता, ये उनका एक साक्षात्कार 2005-06 के आसपास छपा। ये जो स्थूल दृष्टि विकसित हो गई हिंदी आलोचना में कि सैद्धांतिक समीक्षा मतलब समीक्षा नहीं है, समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी बड़ी व्यवहारिक समीक्षा आती है, चाहे वो नामवर सिंह की हो, रामविलास जी की हो, तो बिना उसके सैद्धांतिक पुष्टि या बिना सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के वो व्यवहारिक आलोचना भी नहीं हो रही होती। आपकी नींव अगर मजबूत है, गहरी है, तभी आप ऊपर बड़ा महल खड़ा करते हैं। व्यवहारिक समीक्षा वो ऊपर खड़ा हुआ महल ही है, सैद्धांतिक समीक्षा हर व्यवहारिक समीक्षा के मूल में होता है। बिना सिद्धांत उसमें नहीं होगा तो वो फिर भाववादी समीक्षा कब बन जाएगा? वो तो शांति प्रिय चतुर्वेदी वाली। तो उसमें विचार तो शुक्ल जी को प्राय इस तरह से कि सैद्धांतिक समीक्षा और व्यवहारिक समीक्षा के संतुलन की दृष्टि से उनकी आलोचना की प्रामाणिकता इसलिए भी है कि आप रस मीमांसा को उठाइए और त्रिवेणी की व्यवहारिक समीक्षा पर कसिए तो आपको कहीं द्वैत नहीं दिखेगा। उनकी सैद्धांतिक समीक्षा यहाँ बराबर सूर में, तुलसी में, जायसी में साथ साथ चलती हुई आपको दिखेगी। तो रस वाली जो बात है और हृदय की साधना अवस्था, सिद्धावस्था जो टर्म वो देते हैं रस के संदर्भ में कि साधना अवस्था क्या है,
रस दशा क्या है, तो रस दशा आपको सूर्य की उनकी व्यवहारिक समीक्षा में भी साथ साथ दिखेगी। साधनावस्था और सिद्धावस्था को उन्होंने रीतिकाल और या तुलसी और सूर्य के की वो जीवनोत्सव का काव्य है और ये साधनावस्था का काव्य है तुलसी का, क्योंकि जीवन के बड़े संघर्षों को समेटता है, और वो सिद्धावस्था का काव्य है सूर्य का, या फिर रीतिकालीन पूरा काव्य सिद्धावस्था का काव्य है प्रेम का श्रृंगार का, क्योंकि ये जीवन समाज के बीच से विकसित नहीं हुआ है बड़े फलक को नहीं। तो शुक्ल जी की जो रस दृष्टि है वो कोरी सैद्धांतिक उस रूप में नहीं है कि जैसे कि आप वामन की का रीति संप्रदाय है, या अभिनवगुप्त का ध्वन्यालोकलोचन है, या ध्वन्यालोक है, या भामक काव्य अलंकार है, उनके सैद्धांतिक समीक्षा जैसे रस मीमांसा के आप निबंध पढ़े तो उसमें व्यवहारिक उदाहरण भी आपको कविता के ढेर सारे मिलते चलते हैं। मनोविकार के आप निबंध पढ़ेंगे तो उसमें भी सूर तुलसी के पद्य आपको साथ साथ चलते हैं। शुक्ल जी की खूबसूरती यही थी उनकी सैद्धांतिक। दूसरी बात जिस पे विवाद रहा या जिसके रस पे उनके मत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, उनकी इस मान्यता पे किया गया कि रस साधारणीकरण की दृष्टि से आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। उसके पहले हमको मालूम है कि अभिनवगुप्त साधारणीकरण के संबंध में अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत प्रस्तुत कर चुके होते थे, और रस निष्पत्ति का पूरा दर्शन ही चाहे वो भट्ट लोलट का हो उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, या अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये चारों जो रस निष्पत्ति के सिद्धांत थे, और खास तौर से भट्टनायक और लोलट भट्ट लोलट और शंकु तक, तो वो रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत था वो भरत के करीब है, यानी उसमें वस्तुनिष्ठता है। रस निष्पत्ति में रस किसके हृदय में उपजेगा इसको लेकर जो विवाद था, तो धीरे धीरे भट्टनायक से और अभिनवगुप्त तक आते आते वो सहृदय के चित्त में ही रस दशा की उत्पत्ति होती है, ये तथ्य प्रमाणिक हो गया था। और जो साधारणीकरण होगा वो विभाव का होगा, अनुभव का होगा, स्थायी भाव का होगा। शुक्ल जी ने और प्राय शायद पहली बार हिंदी के किसी बड़े समीक्षक ने अभिनवगुप्त के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उनके मतों के सापेक्ष, और ये कहा, घोषित किया कि नहीं, रस निष्पत्ति सहृदय की जगह आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। अब आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण ये मत विश्वनाथ के मत के करीब लोगों ने माना। आलंबनत्व धर्म में अब ये दृष्टि भी अगर आप बड़े बारीकी से देखें कि आलंबन क्या है, जिस पर हमारा भाव टिकता है, सीधी सी बात है, तो शुक्ल जी उस रस मीमांसा वाली कृति में बड़े लंबे तर्क करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर किसी पीड़ित को देखकर, और इस पे आइए रिचर्ड्स का भी प्रभाव आप उनके वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत का मान सकते हैं, जब वो शुक्ल जी साहब कहते हैं कि किसी पीड़ित स्त्री को देखकर या किसी पीड़ित व्यक्ति को देखकर कविता में आप पढ़ते हैं आपकी आंखों में आंसू आएंगे, किसी दुष्ट व्यक्ति के चित्रण को देख के आपके भी अंदर क्रोध ही जन्मेगा, उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बेसिकली यही शुक्ल जी का उसमें था कि हम उसमें आनंदित नहीं होंगे। अगर आप किसी इस तरह के दृश्य का चित्रण देखते हैं या कविता पढ़ते हैं तो आपकी आंखों में भी उस समय आंसू ही आएंगे, उसमें आप आनंद की अवस्था नहीं करते। तो बात समझने वाली ये थी कि अभिनवगुप्त का जो आनंदवाद था, और उसके पहले आप रामचंद्र गुणचंद्र का सुख दुखात्मक रसों को भी अगर आप इसको समेट लें तो उन लोगों का जो आनंद था वो कुछ दूसरे था, और उसके लिए फिर भारतीय काव्यशास्त्र की आप स्थायी भाव और रस के बीच के भेद को भी समझना पड़ेगा कि जो सामान्य मनोवृत्तियाँ होती हैं, जो स्थायी भाव होते हैं, वो साहित्य में आकर रस में कैसे बदल जाते हैं। मतलब हम घृणा सामान्य रूप में जो करते हैं और कविता में आके जो हमारी घृणा है वो आनंद में कैसे रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि आनंद तब होती है क्योंकि व्यक्ति अपने मैं और पर से ऊपर चला जाता है, तब वो व्यक्ति के स्तर पर नहीं रहता, तब वो सामान्य के सार्वभौमिक स्थिति में सोचता है, विचारता है। शुक्ल जी तो कविता क्या है वाले निबंध में इस चीज को मानते हैं, और कविता की रस दशा इसी को मानते हैं कि जब व्यक्ति मैं पैर से हट जाता है, लेकिन जब रस निष्पत्ति के स्तर पर जाते हैं तो वो साधारणीकरण के रूप में आलंबनत्व धर्म का करते हैं। तो ये शुक्ल जी के रस निष्पत्ति की इस दृष्टि में भी थोड़ा सा अंतर विरोध या उनकी अपनी सीमाएं भी हैं, इसे आप इस रूप में। तो एक आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, आपको उस निबंध को और गंभीरता से लेना चाहिए। वो कहते हैं कि जब बिल्कुल शुरुआत हो रही थी, नाट्यशास्त्र उभर रहा था, नाटक आ रहा था, तो वो दो अलग अलग वर्गों के बीच के तनाव के वजह से आ रहा था, और जब देवताओं ने
देवताओं और असुरों के बीच के उस युद्ध को नाटक में कन्वर्ट किया और उस नाटक को का प्रहसन को खेला गया, तो उसमें जरूरत से ज्यादा विपक्षी पक्ष को दबाकर वहां से रस निकालने की कोशिश की थी और विपक्षी पक्ष ने इस बात का विरोध किया। तो जो आलंबन है वो किस वर्ग के आधार पर आलंबन बना है, ये बड़ा प्रश्न उसमें से निकलता। इस प्रश्न को नामवर सिंह ले जाते ध्वन्यालोक तक ले जाते हैं और कहते हैं जिस तरह से, जिसे ग्रेट ट्रेडिशन कहते हैं, बड़ा कैनन रचा जाता है, रस ने भी कुछ तरह से एक मुख्य धारा बनाई और बाकी कविताओं को पीछे छोड़ दिया। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कविता को देखने की जो दृष्टियां थी उसमें से कोई भी न पूरी तरीके से लगती हाँ। थी और न कोई इतनी अधूरी थी कि उसको छोड़ दिया जाए। आप बहुत इत्मीनान से हम ये बात कह सकते हैं कि अलंकार कोई बहुत छोटी तो रस को आप इस तरीके से अगर देखेंगे या आपने देखा है या आगे आप कहें कि मैं देखूंगा, आपके कहीं ना कहीं ये विचारों में है कि रस का वर्ग, रस सिद्धांत का वर्गीय चरित्र क्या सचमुच ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के बीच का कोई झगड़ा है? अब ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, विमर्श फिर ये बात मांग करता है। बस मैं संक्षेप में ही इस पे संकेतात्मक टिप्पणी कि रस की जो दृष्टि है, एक तो वो काव्यशास्त्री ढंग से आई थी वहां पे, दूसरी वर्गीय चरित्र के हिसाब से या उस तरह के दृष्टि, काव्य शास्त्र, यही मैं कह रहा हूँ ना। मैंने कहीं चीज पढ़ी है कि रामचंद्र शुक्ल यहाँ वही काम कर रहे थे जो पश्चिम में एफ आर लिविस कर रहे थे। वो दरअसल कोरे अर्थों में साहित्य सिद्धांत शास्त्री नहीं थे, उनके साथ समाज विज्ञान बहुत जुड़ा हुआ था। आपको पता है वो बहुत अच्छे अनुवादक थे, वो बहुत अच्छे इतिहासकार थे, वो बहुत अच्छे भाषा शास्त्री थे, वो बहुत अच्छे काव्य शास्त्री थे। उनके जो निबंध है, आप उठकर निबंध, आपने तो प्रकाश वाली ग्रंथावली देखी होगी, उसमें उनके निबंध पढ़िए तो मेगस्थनीज की एंडिका पर उनका निबंध है, भारतवर्षियों के पहनावे पर उनका निबंध है। तो इसलिए हम उनको केवल सिद्धांत काव्यशास्त्रीय ढांचे में नहीं, मैंने शुरू में ही आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने शुरुआत के संकेत में ही कह दिया था कि शुक्ल जी ने रस की जो आत्मनिष्ठ दृष्टि है, जो आत्मनिष्ठ दृष्टि अभिनव गुप्त तक विकसित हो गई थी प्रामाणिक रूप से, उसको तो हटा, उसको तोड़ा, शुक्ल जी ने उसको तोड़ा और रस को वस्तुनिष्ठ धरातल की ओर ले गए। और यह दृष्टि भरत की थी, शुक्ल जी भरत के करीब हैं या भट्ट लोलट के आसपास हैं रस निष्पत्ति के संदर्भ में। वो जो केवल व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि है रस की, शुक्ल जी निश्चित रूप से उसको तोड़ते हैं और रस शुक्ल जी के लिए वो है जो लोक धर्म में लीन होने की दशा रस है। तो शुक्ल जी तो खुद ही कहते हैं कि वो जो कैनन है रस का, कि जो केवल कविता पढ़ के आनंद होगा या सत्ता या सामंतों के लिए जैसे पूरा रीतिकाल खड़ा होता है, शुक्ल जी की दृष्टि दरअसल जनता की ओर है। जैसे पूरा रीतिकाल है तो वहाँ सामंतों की ओर, राजाओं की ओर, रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि के कारणों में उन्होंने कहा कि सामंतों और राजाओं की रुचि के कारण रीतिकाल, जनता की रुचि नहीं थी। जबकि नगेंद्र वगैरह ने बार बार कहा कि नहीं, जनता की रुचि भी उधर चली गई थी। शुक्ल जी एकमात्र आलोचक थे जिसको रामविलास जी ने बात रेखांकित किया कि नहीं, वहाँ जनता की रुचि नहीं थी, राजाओं की रुचि। तो शुक्ल जी की अपनी जो रस दृष्टि भी है वो बहुत वस्तुनिष्ठ है, वो अभिनव गुप्त की तरह आत्मनिष्ठ नहीं है और उस पूरी रस दृष्टि में कहीं लोक साथ साथ चलता है, खड़ा है। तो आपकी बात से सहमत है, उस दृष्टि से रस उनका वैसा शास्त्रीय रस नहीं। तो हालांकि अभी मेरे पास और भी सवाल थे पाठ वगैरह को लेकर के, लेकिन चूंकि बातचीत लंबी हो गई है और ये ऐसा विषय है आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के कि जिन पे लंबी बातचीत और लंबी बहसें हो सकती हैं, ढेर सारे पक्ष, बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन समय पर मौके बे मौके हम लोग यूँ उपस्थित होते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। मैं हिंदी विभाग की ओर से अपने दोनों अग्र सहकर्मियों के प्रति और इस बातचीत को संभव बनाने के लिए मैं आभारी हूँ, आप दोनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।